आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डाउटनेट। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज सेइंग एक्सप्लेन द फॉलोइंग रीजन। फर्स्ट, BF3 एक्ट एज लुईस एसिड। सेकंड, BF3 इज वीकर एसिड देन BCl3। सो इस क्वेश्चन में हमें रीजंस बताने हैं। दो पार्ट्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है कि BF3 क्यों एक्ट करता है एज अ लुईस एसिड। ठीक है, BF3 बिहेव्स एज लुईस एसिड। BF3 में क्या होता है, अगर हम BF3 का स्ट्रक्चर देखें तो क्या होता है, यहाँ पे बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में होते हैं। ठीक है, इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। सो हमें पता है कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए, पर यहाँ 6 हैं, तो यहाँ पे क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। सो ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट की वजह से क्या होता है कि ये इसके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की। इट हैज़ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट लोन पेयर या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। सो इस वजह से BF3 behaves as Lewis acid। ठीक है, इस वजह से ये Lewis acid की तरह act करता है। तो अब ये हमारा first part का reason हो गया कि Lewis acid क्यों behave करता है, क्योंकि इसके पास tendency होती है electron pair को accept करने की, क्योंकि इसका octet incomplete है, तो इस वजह से Lewis acid है। अब second part check करते हैं। second part में बताने कि BF3 weaker acid क्यों है BCl3 से। ठीक है, तो अगर हम देखें BF3 और BCl3 दोनों ही हमारे लुईस एसिड्स हैं, क्योंकि इन दोनों के ही ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ठीक है, पर लुईस एसिड एक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखना है इन दोनों में से, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो फ्लोरीन है और बोरॉन है उसमें क्या होगा, पी पाई बैक बॉन्डिंग। फ्लोरीन का फिल्ड पी और बोरॉन का MTP। सिमिलरली बोरॉन का MTP और क्लोरीन का फिल्ड पी, इसमें क्या होगा हमारे पास, पी पाई बैक बॉन्डिंग। दोनों ही केस में हमें पी पाई बैक बॉन्डिंग देखने के लिए मिलेगी। अगर हम BF3 में देखें तो 2p और 2p के बीच में ओवरलैप हो रहा है, पर BCl3 में 2p और 3p के बीच में ओवरलैप हो रहा है। तो जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो BF3 में ज़्यादा होगी, तो पी पाई बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट किस में होगा, BF3 में ज़्यादा होगा BCl3 से। तो जब एक्सटेंट अगर BF3 में ज़्यादा है, तो मतलब जो BCl3 है वो ज़्यादा टेंडेंसी शो करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की, जिस वजह से BCl3 जो है वो ज़्यादा हमारे पास एसिडिक हो जाएगा BF3 से। ठीक है, सो रीज़न यहाँ पे यही है कि जो पी पाई बैक बॉन्डिंग है वो BCl3 में कम एक्सटेंट पे हो पा रही है एज कम्पेयर टू BF3 में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।